तो यार होली के टाइम पे गुब्बारे जरूर यूज करेंगे। देखो ऐसे होते ना, ये पानी के गुब्बारे होते हैं और इनको क्या करते हैं, ऐसे फेंकते दूर, तो कई बार ये हो जाता है कि हवा में फूट जाता है या रेंज नहीं जाती तो दिक्कत आती है। उसके लिए हम लेके आए ये जो है ना, ये है भाई हुब्बारा बलून शूटर। ये देखो ये कॉक ब्रांड का आता है, ये रहा बाय कॉक ब्रांड। और ये निकलता कैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये आ गया बाहर। तो ये बॉक्स है और यहाँ पे गुब्बारे भी आए कि टंकी में लगाओ और सीधा सीधा भर लो, और जो शूटर है ना वो ये है, तो इसको निकालता हूँ बाहर। तो यहाँ पे ये मिलता है, इसको सीधा टंकी में लगाओ, पाइप में लगाओ और गुब्बारे सारे के सारे भर लो। पर हमने पहले से यहाँ पे पूरी बाल्टी भर रखी है गुब्बारों के, देखो कितने सारे हैं। और उसके बाद हमें ये लेना है और इसको ऐसे पकड़ना है यहाँ पे, तो ये आ गया हाथ में। ये जो है ना ये यहाँ से सपोर्ट देगा, अगर ये ना हो हम इसको ऐसे पकड़ ले तो क्या रहेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आया और ये गुब्बारा बहुत सही चलने वाला है, ये देखो। तो ये बन गया हमारा बलून लॉन्चर, इसको जैसे हम छोड़ेंगे तो गुब्बारा दो निकल जाएगा। अभी टेस्ट कर लेते हैं, ये रखा मैंने एक बलून यहाँ पे और ये इसको ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, वो देखो वो गया। अब की बार रेंज बढ़ा के देखते हैं, तो भाई काफी अच्छी खासी रेंज है इसकी। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन करेंगे कि हम तीन जने रहेंगे और तीनों के पास एक एक गुब्बारा रहेगा, जो बलून ज्यादा दूर फेंक देगा उसको मिलने वाले पैसे पता कितने, ये तो उसको मिलने वाले पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए। यहाँ पे ये ना पूरा का पूरा कैश यहाँ पे 1,00,000 रुपए उसको मिलेंगे जो जीत जाएगा, जिसका गुब्बारा ज्यादा दूर जाएगा। तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं, मेरा गुब्बारा ये रहा और दो पार्टिसिपेंट ये आएंगे। लंबू ले ले ले, मेरा गुब्बारा और ये आ गया शिवम। अब क्या रहेगा, अब जिसका गुब्बारा जहां गिरेगा वहां पे लगाएंगे हम फ्लैग। ये देखो तो मेरे पास ब्लू है, ब्लू शर्ट ब्लू फ्लैग हो गया, और शिवम का है यहाँ पे ग्रीन, तो शिवम का ग्रीन फ्लैग आ गया और ये लंबू का आ गया ये रहा येलो फ्लैग। तो तीनों फ्लैग आ गए, अब देखते हैं किसका फ्लैग कितनी दूर पे गड़ेगा, जिसका फ्लैग लास्ट में गड़ेगा वो जीत जाएगा। तो सब तैयार हो गए, अब बस डिसाइड करना है किसके चांस पहले आएगी। तो शिवम बड़ा हाथ आगे, 1, 2, 3 दोबारा एक ले, फर्स्ट आ गया लंबू और हम बच गए, हमारा करवा दे भाई। ओ दोबारा तो मेरी सेकंड आ गई, तेरी थर्ड आ गई। चलो अब यहाँ पे लंबू पकड़ गुब्बारे, हम देखें यहाँ पे तीन चांस मिलने वाली है, तीन चांस में जितना मैक्सिमम जाएगा वहां पे ये अपना झंडा गाड़ देगा। तो गई एक चांस में जहां गिरा है देख ले, ओए ओए ओए, 2 Game over। तो ये आया इसका लास्ट, ये रहा बहुत दूर आ गया, ये रहा इतनी दूर आया इसका, और वहां से रिकॉर्डिंग हो रही थी, वहां जहां बाल्टी रखी ना सेंटर में वहां से बहुत दूर आ गया। बाद में हम डिस्टेंस भी मेजर करेंगे, ले पकड़ियो। अब देखते हैं कहां तक जाता है, 1, 2, 3 ओहो पीछे है। कितना है, लाओ लाओ मेरा झंडा लाओ। ओहो मुझे तो आगे भी पानी दिख रहा है, अब वो किसका निशान है, वो पहला लंबू का। तो बहुत फर्क आ गया भाई, कोई बात नहीं हम हार गए, सेकंड तो आ सकता हूँ। तो नीला झंडा यहाँ पे आया है, कितने कदम दूर है यहाँ से, 1, 2 रुक जा गड़बड़ हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगभग 9 कदम इतनी दूर आया इसका लंबू का। तो अब आ गई यहाँ पे शिवम की बारी, और शिवम कहाँ फेंकेगा, कहाँ तुम दोनों को दिखाओ जरा एक बार, नीला झंडा मेरा पीला झंडा लंबू का, दूर ही जाएंगे हाँ जी, यहाँ ये खड़ा मैं, फेंक बहुत अंदर में बहुत पीछे है, नीले से पीछे अभी अभी एक ही तमाम आर में ना, चल ये तेरा पीछे ये रह गए देखो
ओ बहन। तो ये देखो जो फर्स्ट आया लंबू का, लंबू अपने झंडे पे चला जा। तो जैसी लंबू की हाइट है ऐसी इसका झंडा बिल्कुल सीधा खड़ा है। मेरा थोड़ा पीछे आया तो इसलिए वो टेढ़ा है। अब शिवम का सबसे पिछले से शिवम का झंडा गिर गया। अब आता है लंबू का इनाम। तो देखो जो सबसे दूर गुब्बारा गिरा था ना वो पीले पे गिरा था। तो पीले से लाइन देखनी है, वो व्हाइट लाइन थी ना जहां से फेंक रहे थे, कि मैक्सिमम कितनी दूर तक ही आया है। तो शिवम यहां से नापना शुरू कर दे कितने फुट बैठेगा। 1 2 3 4 5 अबे नॉर्मल चाल। 6 7 8 कितना बैठा? 66 70। हाँ शुरू के कदम ऐसे थे, लगभग 70 फीट। 70 फीट गुब्बारा फेंका इसने, तो उसमें मेरा लगभग 9 कदम कम थे, तो 9 फीट कम मेरा हो गया और इसका थोड़ा और कम था। तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर कोई बच्चा भी फेंकेगा ना तो उसका 40 फीट तो कहीं से कहीं तक नहीं गया। 40-50 फीट एक बच्चा भी फेंक के मार लेगा, इतना पावरफुल है ये गुब्बारा। तो अब आता है इनाम की बारी। तो यहाँ पे पूरे 1 लाख का इनाम हम लंबू को देते हैं। ये लो। ये क्या नकली नोट है? अब ये जो गुब्बारा था ना जो हम यूज कर रहे थे गुब्बारे दूर फेंकने के लिए, ये गुब्बारा या फिर ये जो नया पैक है, आप इसको खुद भी मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए और फिर होली पे खूब बढ़िया से अपने गुब्बारे फेंक फेंक के मारिए और अपनी होली एंजॉय करिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली और हम मिलेंगे अब दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।